विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब कांग्रेस पार्टी में सियासी ऑक्सीजन बढ़ गई है। शांति, सद्भाव और कौमी एकता के लिए रविवार को इंदौर में कांग्रेसियों ने सांकेतिक उपवास किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन भी केंद्र सरकार के खिलाफ सियासी ढोलक बजाते नजर आए। टंडन ने ढोलक की थाप पर एमपी की शिवराज सरकार को भी जमकर घेरा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन कर देश में सद्भाव और कौमी एकता कायम रखने की प्रार्थना भी की। हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देश पर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव जी के निर्देश पर आज कांग्रेस जन सांकेतिक उपास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रभु राम से कामना करते हैं। प्रभु राम के सामने हम लोग ये अपील करते हैं बापू के चरणों पर बैठकर कि ये झूठे राम दुलारे हैं, बापू के हत्यारे हैं, राम का तो नाम है, चंदा का ना काम है। भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, समाज में वैमनस्य और दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, सवर्ण और दलित के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर कुर्सी हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पे जा सकती है। गांधी प्रतिमा के समक्ष जमा हुए कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को शांति भंग करने वाली सरकार करार दिया। भाजपा को सद्बुद्धि दे भगवान को लेकर कांग्रेस जन गांधी प्रतिमा पर सुबह 9 बजे से ही जमा हो गए थे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजेश चौकसे, मंजूर बेग, अनिल यादव, देवेंद्र यादव, जौहर मानपुरवाला, सन्नी राजपाल, मोहन सेंगर, मुकेश ठाकुर, अरविंद जोशी, सत सलूजा, राधे बोरसी, बंते यादव, पंकज संघवी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बहरहाल चुनावी साल में दलितों के मुद्दे पर कांग्रेस का ये सांकेतिक उपवास कितना असर जनता पर अभिव्यक्त कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, Indore.